तो अभी दोनों बाइक की बारी बारी से टेस्ट राइड लेंगे। पहले GS चलाते हैं, उसके बाद अप डाउन करके दोनों बाइक्स हम चलाएंगे। पहले GS चलाएंगे, ये एडवेंचर बाइक है और दूसरी वाली स्पोर्ट बाइक है। पहली बार ज़िंदगी में BMW की बाइक पर बैठे हुए, टॉप बॉक्स नहीं लगाए, भारी लग रही है। काफ़ी आसान है सब कुछ इसमें, काफ़ी स्मूथ लग रही है, भड़बड़ 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 कर रही है। उस बंदे को लगता है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है मेरे ऊपर। वाह, बिग बाइक, बिग बाइक, सेकेंड गियर में भाग रही है, बुआ रे बुआ, मतलब भाग रही है ब्रो। ओहो, ये मतलब इसमें बम लगा हुआ है लग रहा है, दूसरे गियर में तो एकदम उड़ ही जा रही है। एक्सीलेटर का पूरा ले लिया आदमी ना, ऐसा लग रहा है कि उड़ जाएगी बाइक। कल ही हमने चलाई SD, बट उसमें इतना टॉर्क नहीं था जितना इसमें है, और ये तो एकदम BMW bikers in Allahabad roaming here and there, और बहुत ही कंफर्टेबल बाइक है। थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि सस्पेंशन अच्छे हैं आगे के पीछे के दोनों साइड के, और चलाने में काफ़ी आसान है, मेरी बाइक जैसा फील दे रही है, बस इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, क्या बात है। खतरनाक है, खतरनाक। और बहुत ही आसान है चलाना इसको, अगर मेरी बाइक आप चलाते हैं, मेरी मतलब YMAFZ, तो आपको चलाना बहुत आसान लगेगा। बाप रे, मतलब टॉर्क बहुत है, 2 किलोमीटर का राउंड बोला गया है। अब देखो 2 किलोमीटर कितना है, क्या हुआ, एक राउंड, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको चला लिया, अब चलाते हैं छोटी वाली। टॉर्क बहुत ज़्यादा है, खींचती बहुत ज़्यादा, वैसे ये भी है, हमको तो उसी का ही ज़्यादा लगा। ये थोड़ा स्पोर्टी है, लेकिन यार एक चीज़ है, इसमें आवाज़ नहीं है। आवाज़ का मतलब ये है कि जो इंजन में साउंड होता है ना, वो नहीं है, एग्जॉस्ट का साउंड नहीं है, कहने का मतलब। एक ग्रंट है इस बाइक में, मतलब टॉर्क बहुत है। अब देखो कहाँ गया वो जा रहा है आगे, मतलब उठ नहीं पा रही है, बट हाँ वाह, देखो पुलिस जा रहे हैं। थोड़ा सा है ग्रंट, पावर बहुत है, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी GS इस बाइक के मुकाबले। ये स्पोर्ट्स है, नेकेड है, और ठीक है, लो एंड भी हमको ठीक लग रहा है, मतलब शहर में चलाने लायक भी ठीक है, गियर शिफ्ट भी ठीक है, और बाकी टेक्निकलिटीज़ तो हमें इतना नहीं पता है, बट चलाने में हमको बहुत आसान लग रही है। मतलब आपने आदमी को खींचती है। कौन सा गियर चल रहा है, चौथा, मतलब तीसरे गियर पे आपको इसको मज़ा आएगा चलाने में, चौथा गियर तो मतलब क्या है कि स्पीड मेंटेन करने के लिए है, तीसरी गियर पे बहुत सही चलती है। अंदर
तो ये रही टेस्ट राइड दोनों बाइक्स की, दोनों में से कंफर्टेबल GS है। सो फाइनली BMW 310 GS की टेस्ट राइड मेरी जो हो गई है, और हम इस वर्डिक्ट में पहुँचे हैं कि हमको चाहिए एडवेंचर बाइक, तो GS हमको चाहिए और काफ़ी अच्छी लगी अभी। और बहुत सिंपल सी है, इसका जो कॉकपिट एरिया होता है ना, ये जो बैठने का एरिया होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी है, ज़्यादा तामझाम नहीं है, बस ज़रूरत की चीज़ें हैं। और बहुत ही लोहा लट गाड़ी है, पूरा लोहा लोहा भरा हुआ है बाइक में, हैवी है लेकिन चलाने में उतनी हैवी नहीं लगती है, बट कंफर्टेबल बहुत है। ठीक है भाई, चलते हैं, हो गया, थैंक यू। तो मेरी टेस्ट राइड हो गई है, ग्रुप में हमने फ़ोटो डाल दिया है, और अब धीरे धीरे करके सारे लोग जितने हैं वो लोग आएंगे ग्रुप राइड करने के लिए। और हमको दोनों में से GS अच्छी लगी, और लेना होगा तो GS ही लेंगे। 2,90,000 3,90,000 सॉरी इसकी जो प्राइस है। राइडिंग पोस्चर जो है ना, मेरी बाइक जैसा ही है, थोड़ा सा वो ऊंची है, थोड़ा सा ऊंची है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, और इसमें टॉर्क बहुत है, मतलब हल्का सा आप अगर रेव लेंगे, एक्सीलेटर लेंगे तो ज़्यादा पतंग नहीं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो गाड़ी ऐसा लगेगा कि भाग रही है, उठ रही है, तो वो चीज़ बड़ी कमाल की लगी हमको GS में। तो ये वीडियो को एडिट करके जल्दी से अपलोड कर देते हैं। सो दिस इज इट गाइस, ये थी हमारी आज की टेस्ट राइड BMW 310 R की और 310 GS की। एक एडवेंचर बाइक है, एक नेकेड बाइक है, एक सिटी के लिए, एक लॉन्ग राइड के लिए है, मतलब ट्रैवल के लिए, सारे तरह के ट्रेन पे। और अब हम जा रहे हैं अपने शॉप पे, थोड़ा एडिट कर दें वीडियो, इसको एडिट करके अपलोड करें। यहाँ पे तमाशा हो रहा है, मेरे पता है दिमाग से पसीना निकलने लगा था जब हमने एक्सीलेटर लिया और उसको अपनी एग्जैक्ट समझ के एक्सीलेटर लिया, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं है, उसमें 310 सीसी का इंजन है और उसके साथ ही BMW की मार्किंग है, मतलब 310 सीसी उतना ज़्यादा नहीं टॉर्क दिया होगा जितना BMW जो लोगो है उसमें लगा हुआ वो टॉर्क देता है। GS थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, और 310 R जो है ना अनकंट्रोल्ड है थोड़ा सा, मतलब उसमें वही है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाला सीन है। अगर आप इधर उधर देख रहे हैं और एक्सीलेटर खूब लिए पड़े हैं तो आपका एक्सीडेंट होना तय है, ये हम 310 R की बात कर रहे हैं। GS में ऐसा नहीं है, GS में क्या है कि आप थोड़ा सा, उसमें पोलाइटनेस है, प्यार से चलती है, आराम आराम से चलती है, उतना एग्रेशन नहीं है उसमें, लेकिन 310 R में काफ़ी एग्रेशन है। तो ये रहा मेरा रिव्यू, कैसी लगी आपको वीडियो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो करते हैं यहीं पे बंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, यू कैन कमेंट ऑल्सो, यू कैन शेयर दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल अनजाना मुसाफिर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, और हाँ पानी पीते रहना क्योंकि जल ही जीवन है। बाय बाय।